हेलो बच्चों, प्रगति प्राइम स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण की परिभाषा क्या होती है और शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। चलिए बात करते हैं शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण की परिभाषा क्या है? बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षण की क्या ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों को उसका क्या काम होता है, उसके बारे में जानेंगे हम इस लेक्चर के जरिए। चलिए बात करते हैं शिक्षण की परिभाषा। तो एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है वही शिक्षण कहलाता है ठीक है बच्चों, कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषा क्या है? तो कोई भी शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है वही शिक्षण कहलाता है। इसका मतलब यह है कि बच्चा जब एक तरीके से नहीं सीख पाता है तो उसको दूसरे तरीके से सिखाना चाहिए, वही शिक्षण है। जब बच्चा 2 + 2 को ना जोड़ पाए तो पहले उसे 1 + 1 को जुड़वाइए। अगर वो इस विधि से नहीं सीख पा रहा है तो उसे खेल के जरिए सिखाइए, ठीक है। तो एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने के लिए जिन क्रियाओं का प्रयोग करता है या जिस चीज़ से उन्हें प्रेरित करता है वही शिक्षण कहलाता है। चलिए बात करते हैं आगे पॉइंट की तरफ, कि गणित का संबंध सबसे ज़्यादा होता है किसका, विज्ञान के साथ, ठीक है। और गणित विषय का प्रयोग किया जाता है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। गणित का संबंध सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है, विज्ञान के साथ होता है। और गणित विषय में प्रयोग किया जाता है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ, यानी दोनों प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए जान लेते हैं शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। शिक्षण की प्रमुख विधि, ठीक है, कि शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है, तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। शिक्षण की प्रमुख विधियों में आता है, पहला नाम आता है हमारा विश्लेषण विधि, ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका संश्लेषण विधि। क्या आता है आपका, नंबर 2 संश्लेषण विधि। आगे बात करें तो तीसरा पॉइंट आता है आपका आगमन विधि का, आगमन विधि, ठीक है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं निगमन विधि, ठीक है। तो ये हो गई आपकी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ।
ये हो गई आपकी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। जब कोई भी शिक्षक शिक्षण का प्रयोग करता है तो इन प्रमुख विधियों का प्रयोग कर रहा है। नंबर एक विश्लेषण विधि का, नंबर दो संश्लेषण विधि का, नंबर तीन आगमन विधि का और नंबर चार निगमन विधि का। ठीक है, इन चार विधियों का वह प्रयोग करता है बच्चों को शिक्षा देने में। एक तरीके से बच्चा नहीं सीखा तो उसे दूसरा तरीका प्रयोग करना होगा, जिसे हम शिक्षण कहते हैं कि एक शिक्षण की परिभाषा से नहीं समझ पाया तो उसे दूसरा तरीका बताया जाएगा। चलिए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट है पहला विश्लेषण विधि। क्या है हमारा विश्लेषण विधि? नंबर एक है हमारा विश्लेषण विधि किसे कहते हैं? विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि किसे कहते हैं? विश्लेषण विधि, ठीक है, विश्लेषण विधि किसे कहते हैं? ये है आपका पॉइंट। तो बच्चों क्या है विश्लेषण विधि? कि किसी भी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन कराना विश्लेषण विधि कहलाता है। ठीक है भाई, विश्लेषण विधि का मतलब है कि कोई चीज इकट्ठी है उसको बांटकर, उसको हिस्सों में बांटकर उसका अध्ययन कराना ही विश्लेषण विधि कहलाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं पूरा पॉइंट। किसी भी वस्तु को छोटे 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 भागों में छोटे छोटे भागों में बांट कर अध्ययन कराना विश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है। ठीक है, विश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि कहलाती है। जब बच्चे को कविता पढ़ाई जाए तो एक बार में पूरी कविता जो होती है बच्चा उसका अर्थ नहीं समझ पाता है तो उस बच्चे को एक एक लाइन करके उस कविता को सिखाया जाता है, उसके अर्थ को बताया जाता है, तो ये कहलाया विश्लेषण विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विधि के पॉइंट हैं कि विश्लेषण विधि में क्या आता है। तो आपका पॉइंट है विश्लेषण विधि के अंतर्गत अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। नंबर दो निष्कर्ष से तथ्यों की ओर, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना और निष्कर्ष से तथ्यों की ओर जाना। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा, हमने अभी पढ़ा कि संश्लेषण विधि, अगला पॉइंट संश्लेषण विधि नंबर दो, संश्लेषण विधि। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं संश्लेषण विधि किसे कहते हैं। तो किसी भी समस्याओं वस्तुओं विचारों आदि को एकत्रित करके जो अध्ययन किया जाता है उसे ही संश्लेषण कहते हैं। भाई विश्लेषण में हमने किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करके समझा तो विश्लेषण हो गया। ठीक है, जैसे हम किसी
बाइक के पुर्जों को अलग अलग करके समझते हैं तो वो विश्लेषण कहलाता है। कंप्यूटर ले लीजिए, उसके हर चीज को अलग अलग करके समझते हैं तो वो विश्लेषण कहलाता है, और संश्लेषण में उन सभी चीज़ों को जोड़ के उसको कंप्यूटर कह दिया जाता है। ठीक है, तो संश्लेषण का मतलब होता है सभी पुर्जों को एक जगह जोड़ देना। ठीक है, चलिए तो जानते हैं इसको, लिखते हैं अपने पॉइंट को। किसी भी समस्याओं, वस्तुओं विचारों आदि को एकत्र करके जो अध्ययन किया जाता है उसे संश्लेषण विधि कहते हैं ठीक है बच्चों, जिन्हें हम किसी वस्तु को कई भागों में करके समझते हैं वो विश्लेषण, और सभी भागों को इकट्ठा करके जिस चीज़ को समझा जाता है वो संश्लेषण विधि होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारा आगमन विधि। ठीक है, संश्लेषण के लिए दो पॉइंट बता देते हैं जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो। जैसे इसमें है आपका विश्लेषण में था अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहे थे और निष्कर्ष से तथ्यों की ओर जा रहे थे, लेकिन आपका संश्लेषण में रहेगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे और तथ्यों से निष्कर्ष की तरफ जाएंगे। ठीक है, विश्लेषण का विलोम हो जाएगा। तो लिख देते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, सेकंड है तथ्यों से निष्कर्ष की ओर। ठीक है, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण, संश्लेषण का विलोम विश्लेषण। चलिए आगे है आपका पॉइंट आगमन विधि। अगला पॉइंट है आपका आगमन विधि, डालते हैं आगमन विधि। ठीक, सेम उसी तरह है आगमन विधि भी, जैसे विश्लेषण विधि का विलोम संश्लेषण था वैसे ही आगमन विधि का विलोम निगमन विधि रहेगा। ठीक है, आगमन विधि किसे कहते हैं, तो इसमें है आपके आते हैं आगमन विधि के अंतर्गत आपके पॉइंट हैं आगमन में उदाहरण। ठीक है, आगमन में उदाहरण, नंबर दो निरीक्षण करना, ठीक है, आगे है नियम बना लेना, क्या करना, नियम बना लेना। ठीक है, नियम का सत्यापन करना, ठीक है, आगमन विधि जो है हमारी, आगमन विधि में कहा जाता है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, इसमें बालक स्वयं काम करता है, ये छोटी कक्षा के लिए होती है। ठीक है, इसके लिए एक दोष है कि ये समय ज़्यादा लगाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है, ज्ञान धीमी गति से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट कहते हैं हमारा जो इसके मुख्य सूत्र होते हैं तो वो तीन होते हैं।
इसके तीन मुख्य सूत्र हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। ठीक, तीन मुख्य सूत्र हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नंबर दो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा पॉइंट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। चलिए अगले पॉइंट तरफ चलते हैं। आगमन के लिए हम कैसे पहचानेंगे कि आगमन है ना, तो कई चीजें हैं हमारे पास आगमन के लिए। आगमन में हमारा पहला पॉइंट होता है आ से उदाहरण के लिए, जिसमें आप कहीं लिखा हो आपके लिए कि उदाहरण से नियम की ओर, तो वो आपका आगमन विधि है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं, आगमन विधि है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे हैं, आगमन विधि है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, तो आगमन विधि है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं निगम विधि की। आगमन का बिल्कुल विलोम है आपका निगमन विधि। ठीक है, चलिए इसमें है आपका सेम उसका उल्टा करेंगे, उदाहरण से नियम की ओर था आगमन, और निगमन में लिखेंगे नी से, नी को यानी आ से जोड़ के रखेंगे, तो हम इस तरह याद कर सकते हैं नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने कहा था कि आगमन विधि में है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, और इसमें कहेंगे अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, आगमन विधि में है विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसमें कहेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, ये आगमन का बिल्कुल उल्टा है। तो ये हो गया आपका शिक्षण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। ठीक है, अब आप दो तीन क्वेश्चनों के हमें जवाब दीजिए। अभी पढ़ाया, क्या पढ़ाया हमने कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना क्या कहलाएगा, हमारा आगमन विधि कहलाएगा। ठीक है, किसी विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, तो संश्लेषण विधि हो गई आपकी। किस वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु को या किसी कविता को घटकों में यानी कि खंड खंड करके विभाजित करके प्रयोग में लाया जाता है, तो विश्लेषण विधि हो गई। या अज्ञात से ज्ञात की ओर चले तो निगमन विधि हो गई। ठीक है, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर, निगमन विधि का सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है बच्चों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले लेक्चर में फिर उपस्थित होंगे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके, जो आपके लिए सीटेट में काम आने वाले हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।